आपको यहाँ आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो बाबा साहब ने जो हमारे जो दलितों के लिए कानून बनाया था, उस कानून में बहुत ही इन्होंने कटाव और उसमें छेड़छाड़ की है, और हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, इन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है और हमारी दलितों की आवाज़ दिल्ली सरकार में मंत्री बने रहते हुए और जो हमारे समाज पे हो रहे अत्याचार और ये पढ़ने लिखने में जो बाधा बनी हुई है उस पर उन्होंने आवाज़ उठा के हमारे दलितों के समाज की वो किया है। मैं जाटा समाज का प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ हमारे दलित समाज पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। जो सरकारी जमीन पे गुजरों ने खुलेआम कब्जा कर दिया, हमने 500 कंप्लेंट वहाँ जी के करी हैं मगर उस जगह पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और उल्टा हमें झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया है। हमने एक बरात घर के लिए पूरी दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को लेटर लिखे, प्रधानमंत्री वगैरह को, आज तक हमारे दलित समाज के लिए बरातघर नहीं है वहाँ पे, सभी समाज के और सभी जातियों के लिए वहाँ बरातघर है, समाज के सारे कार्य हो रहे हैं मगर हम दलित समाज से हैं इसलिए ना तो हमारा कोई बरातघर है, ना ही कोई पीने का पानी है, ना ही कोई पानी की निकासी है। और आज तक वहाँ पे जो MLA है उसने भी हमारे समाज के आकर ये नहीं पूछा, हम पार्टी से ही MLA हैं चौधरी वो सही राम जी, उन्होंने भी आज तक 3 साल में कोई भी एक भी काम नहीं किया। सही राम जी कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। पहले तो बसपा में थे। हाँ, पहले BSP में, जहाँ पे वो देखते हैं उसी पार्टी को चेंज कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं? हाँ जी, राजेंद्र पाल गौतम जी को हाथ मजबूत करने के और जो इन्होंने आज योजना लॉन्च करने जा रहे हैं उन योजनाओं पे हम उनका साथ देंगे पूरे तरीके से।